खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। साल 2023 में देव उठने एकादशी के बाद पांच राशियों का विवाह का योग बनने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, आप सभी को पता होगा कि हर साल भगवान विष्णु देव लगभग चार महीनों के लिए शयन मुद्रा में जाते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु जी फिर से जागृत होते हैं, जिसे देव उठना कहा जाता है। तो मित्रों, इस बार साल 2023 में पांच राशियों का दिवाली के आसपास विवाह योग बनने जा रहा है। लग्न मुहूर्त एकदम से उनके लिए क्लियर नजर आ रहा है। तो चलिए जान लेते हैं मित्रों, कौन कौन सी है वो पांच सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनकी शादी साल 2023 में, चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, कोई भी हो, लेकिन इस साल आप लग्न और विवाह के मुहूर्त में जरूर बनेंगे। पूरा योग आपके ऊपर ही बन रहा है। तो दोस्तों, सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। आपको बता दें मित्रों कि सनातन धर्म में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जहाँ पर विवाह के अवसर पर दो आत्माओं का मिलन होता है। सात जन्मों के इस बंधन में सिर्फ दो लोग ही एक दूसरे के बीच नहीं बनते हैं, बल्कि दो परिवारों को ये आपस में जोड़ता है। शादी में जीवन के हर एक मोड़ पर वर और वधु यानी कि लड़का लड़की एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं, चाहे फिर वह सुख हो या दुख हो, धूप हो या छांव। लेकिन कई बार अनगिनत प्रयासों के बावजूद भी विवाह में अड़चन आ जाती है, जिसकी वजह से किसी भी जातक की शादी नहीं हो पाती। तो चलिए किन किन राशियों की शादी होगी, उससे पहले एक चीज अपन जान लेते हैं कि दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह यानी कि शादी का योग कब बनता है, किन किन ग्रहों में बदलाव होता है, तब विवाह का योग बनता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिया गया होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में आपको एक घंटी वाला आइकन भी दिखाई देगा, जिसे भी दबा दीजिए, ताकि मित्रों जैसे ही हम कोई भी नई या काम की जानकारी का अपडेट डाले ना, तो वह जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह और नक्षत्रों को बहुत ही अहम माना गया है। हिंदू धर्म में जो कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता है ना, तो उससे पहले ग्रहों की स्थिति और दशा देखी जाती है। करियर, प्रेम, शादी संबंध सभी के लिए ग्रह नक्षत्रों का विश्लेषण किया जाता है। अगर दोस्तों अपन विवाह के भाव की बात करें, तो कुंडली का या जन्म पत्री का सातवां भाव विवाह का भाव होता है। जब देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों की दिव्य दृष्टि आपके सातवें भाव पर होती है ना, तो उस समय विवाह का योग बनता है। और विवाह के कारक ग्रह भी शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति ही माने गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं साल 2023 में किन किन पांच राशियों का विवाह का योग बनने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले नंबर पर आती है मित्रों मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कू, के, को, हा, बड़ा गय और छह से जिनका भी नाम शुरू होता है ना, उनकी मिथुन राशि होती है। और मिथुन राशि के लिए दोस्तों साल 2023 में विवाह की दृष्टि से यह साल आपके लिए काफी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। विशेष रूप से जब साल के चौथे महीने में यानी कि 22 अप्रैल 2023 के दिन देव गुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर किए थे, उस समय उनकी पूर्ण दृष्टि आपके 7वें और 5वें भाव पर थी। ऐसे में मित्रों, दिवाली के आसपास मिथुन राशि वालों का लग्न मुहूर्त बन रहा है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो उनके रिश्ते में मिठास और विश्वास की भावना और भी बढ़ेगी और आप उनको अपने हिसाब से प्रेम विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। और जिस तरह से ग्रहों का गोचर और योग बन रहा है ना, साल 2023 के अंत में आपका विवाह का योग 100% बनेगा और आगे जाकर आप शादी के प्रस्ताव में बंध कर सात जन्मों के पवित्र रिश्ते में भी जा सकते हैं। ग्रहों की विशेष दशा यह संकेत दे रही है कि पार्टनर आपके प्रस्ताव को मंजूर भी कर सकता है। और इस साल 2023 में मिथुन राशि वालों का शादी होने का जो योग है ना, वो प्रबलता के साथ बन रहा है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के अंतर्गत जिनके भी मिथुन राशि है ना, यह परिस्थिति और समय जो ग्रहों का हलचल बन रही है ना, वो बहुत ही अनुकूल हो रही है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं।
कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाकुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है और संबंध या विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब बन रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाभविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं ग्रहों के बदलाव के मद्देनजर साल 2023 में जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है विवाह योग के अनुसार। दूसरे नंबर पर आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थे जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों, इस साल 2023 में जिनकी भी मीन राशि है ना, अगर वो कुंवारे हैं या फिर रिलेशनशिप में है तो आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, तो साल 2023 जो है ना वो आपके लिए सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर ये जो 4 महीने का समय है वो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव परिणाम लेकर आएगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर गंभीर है और आप अपने पार्टनर के प्रति वफादार है तो आपको अपने रिश्तों को आगे ले जाने का अवसर मिलेगा, क्योंकि 22 अप्रैल 2023 के दिन जब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में विराजमान हुए थे ना, तो उनकी दृष्टि आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव पर ही थी। इसी कारण मीन राशि वालों को प्रेम विवाह का योग बन रहा है, आप अपने मन चाहे पार्टनर के साथ विवाह के बंधन में बन सकते हैं। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि आती है वो बनती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों, साल 2023 में होने वाले विभिन्न ग्रहों के गोचर से तुला राशि के लोगों के लिए परिस्थितियां और समय बहुत ही अनुकूल परिणाम प्रदान कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में मित्रों क्या होता है ना कि किसी भी व्यक्ति का विवाह होता है ना, तो उसकी कुंडली या उनकी जन्म पत्री के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति और शनि, इनकी भूमिका सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के अंतर्गत भी 22 अप्रैल 2023 को गुरु परिवर्तन के 7वें भाव में ही प्रवेश हुए थे, और दोस्तों जैसे ही गुरु 7वें भाव में प्रवेश होते हैं ना, उसके 2-4 महीने बाद ही विवाह का भाव लगभग बन ही जाता है। अब दोस्तों आप खुद समझ रहे होंगे, जिनकी भी तुला राशि है ना, उनके अभी शादी विवाह की कहीं ना कहीं बातचीत चल रही होगी और लगभग लगभग दिवाली के आसपास कहीं ना कहीं आपका रिश्ता फाइनल हो ही जाएगा। दिसंबर से पहले आपका प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज दोनों की ही प्रबल संभावना बन रही है, और इसके अलावा आपके विवाह में अगर कोई भी समस्या या बाधा भी आ रही है ना, तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी देवगुरु बृहस्पति और न्याय के देवता भगवान शनिदेव दोनों के ही आशीर्वाद से। अभी 17 जून से आज से ही कहना कि शनिदेव भी वक्री होने जा रहे हैं, जिसका फायदा सबसे ज्यादा तुला राशि वालों को ही मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले व्यक्ति जो भी सिंगल है, कुंवारे हैं और लंबे अरसे से अपने लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ये खोज इसी साल खत्म हो जाएगी। साल 2023 में आपको अपने उपयुक्त जीवन साथी मिल सकता है और संभावना है कि आप विवाह के बंधन में भी बंध जाए। जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने में जो ये साल की स्टार्टिंग थी ना, उस दौरान भी आपका विवाह का योग बन रहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियां विपरीत थी। उसके बाद 22 अप्रैल को गुरु ने परिवर्तन किया था और आपके 9वें भाव में प्रवेश हुए थे। ऐसे में सितंबर के बाद से ही वृषभ राशि वालों का भाग्य एक बार फिर से जागृत होगा, और इस साल आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हैं तो एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, और साल 2023 के अंत तक पार्टनर के साथ 7 फेरे लेते हुए आप 7 जन्मों के पवित्र बंधन में भी बन सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है, इसीलिए मेष राशि वालों के लिए 2023 बहुत ही अनुकूल रहने वाला है।
इस साल आप अपने साथी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में तो मजबूत होंगे। आपको पता होगा कि दोस्तों पिछले साल की तुलना में जिनके भी मेष राशि है ना, इस साल रिलेशनशिप आपका आगे जरूर बढ़ा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उनके साथ अगर रिलेशनशिप में है तो संभावना है कि आप पार्टनर के साथ सितंबर से ही रिश्ते को आगे बढ़ाने में तत्पर नजर आएंगे और इसके अलावा आपके घर वाले भी आपके विवाह प्रस्ताव को मान जाएंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बात की प्रबलता के साथ संभावना बन रही है कि आपका प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा और साल 2023 के अंत तक आपका विवाह का योग प्रबल बनेगा। वैसे अगर आपको अपनी राशि के बारे में पता नहीं है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर बताइएगा ताकि हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में रिप्लाई के अंतर्गत जानकारी दे सके। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों,